जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे जय जीवदानी कहते हुए एक बार फिर एक विस्तृत चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा है कि शुक्र वक्री अवस्था में, अब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि शुक्र वक्री हो गए हैं और वक्री होकर वो पीछे पीछे चलना शुरू हो गए थे, तो अब ये वक्री अवस्था में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। चलिए हमारी इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। आप सब जान गए थे कि शुक्र जो है वो वक्री हो गए थे और उनके पीछे चाल शुरू हो गई थी। अब जो है शुक्र वक्री अवस्था में ही 30 दिसंबर को 7:59 पर सुबह धनु राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं। अब यहां पर ये शुक्र बहुत सारी लीलाएं करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि शुक्र है क्या। शुक्र जिसका ये साल 2022 भी, अगर आपको मैं सही बताऊं तो शुक्र की बात करें तो 2022 जो है पूरा साल हमारे लिए जो है ये शुक्र की लीलाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि ये शुक्र से रिलेटेड न्यूमरोलॉजिकली साल है। और मेष से लेके मीन राशि तक वालों के लिए मैंने पूरा राशि भविष्य साल का दिया हुआ है, और भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं कि इस साल में क्या क्या होगा सभी राशि वालों के लिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं शुक्र की, जो कि वक्री अवस्था में धनु में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो है 6 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। अब जब शुक्र अस्त होते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं होते, कहते हैं ना लोग के तारा डूब गया, तो ये तारा डूबने वाला है थोड़े ही दिनों के लिए, मतलब आप समझ लीजिए 5 दिनों के लिए। उसके बाद 11 जनवरी को ये उदित हो जाएंगे। तो जितनी बेचैनी है ना समाज में आनंद खोने की और सुख खोने की, ये 5 दिनों के लिए रहेगी, क्योंकि शुक्र क्या है ये बताना जरूरी है। शुक्र जो है आनंद का स्वामी, सुखों का स्वामी, वैभव का स्वामी, हर प्रकार से लावण्य का स्वामी, खूबसूरती का स्वामी, प्रेम का स्वामी, काम का स्वामी, आर्टिस्टिक लोगों का स्वामी, मीडिया से रिलेटेड लोगों का स्वामी, हीरो हीरोइन, लेखन, म्यूजिक डायरेक्शन, राइटिंग, या आप पेंटर कह सकते हैं, जिस भी चीज में आर्ट छुपा हुआ, भले वो कोई बर्तन बना रहा हो डिजाइनिंग, तो उसमें आर्ट छुपा हुआ है, तो वहां पर शुक्र है अपनी उपस्थिति पूरी लेके। तो ये शुक्र जो है आपके बॉडी में कहाँ निवास करते हैं, आपकी बॉडी में जो है आपकी आंखों में निवास करते हैं, बालों में निवास करते हैं, आपकी जननेन्द्रियों में निवास करते हैं, कामेच्छाओं में निवास करते हैं, आपकी आनंद की स्थिति में निवास करते हैं, आपके आर्टिस्टिक स्वभाव में निवास करते हैं। और शुक्र कई कई जगहों पर इन्हें हम इंटरनल पार्ट में प्रोस्टेट वगैरह से भी जोड़ते हैं, जो ये शुक्र के एरियाज हैं। अब धनु राशि क्या है, धनु राशि गुरु की राशि है, और गुरु की राशि है तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अनकंफर्टेबल होने वाला है। अब शुक्र जो है उसको आनंद चाहिए, मजा चाहिए, मस्ती चाहिए, पैसा चाहिए, हर प्रकार से खुशी चाहिए। और धनु राशि क्या है, त्याग की राशि है, सात्विक राशि है, कर्मठ राशि है, कड़क राशि है। वो जो जो कुछ भी करते हैं ऐसे राशि वाले लोग या लग्न वाले लोग, वो बड़ा सोच समझ के, समझदारी से रुक के और सबका भला देखते हुए और खुद का खाली स्वार्थ ना देखते हुए और बड़ी सात्विकता से आगे बढ़ते हैं। और शुक्राचार्य जी जो होते हैं वो सात्विकता की ओर ना देखते हुए भौतिकता की ओर देखते हैं। और यहाँ पर ये वक्री भी हैं शुक्र, और ये जाकर अपना पिछला काम उस राशि में कुछ छोड़ आए थे, इनको याद आया कि मेरा पिछला काम रह गया है और ये धनु राशि में कुछ काम करने के लिए फिर से लौट आए हैं। अब ये क्या करने के लिए लौट आए हैं इसको जाने, इससे पहले मैं आपको डेट्स बता दूं इनके नक्षत्रों की भी, कि कब ये पूरा फिर भी धनु राशि में आपको फायदा दे पाएंगे, कब ये आपको फिर भी धनु राशि में ये गुरु और शुक्र मिलके महालक्ष्मी योग कर सकते हैं। तो चलिए 11 जनवरी को उदित हो जाएंगे जब ये शुक्र, तो इनके साथ निभाने के लिए फिर 16 जनवरी को मंगल भी कूद पड़ेंगे धनु राशि में, तो रोमांटिक सी स्थिति बनेगी। शुक्र और मंगल की ये स्थिति जो है कामोत्तेजनाएं लोगों में बढ़ेंगी, लेकिन अनाचार नहीं होना चाहिए।
और 29 जनवरी को शुक्र हो जाने वाले हैं मार्गी, और इसके बाद 27 फरवरी को ये मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो लगभग 2 महीना ये धनु राशि में रहेंगे। और ये वक्री कितनी देर के लिए हैं, तो ये वक्री 29 जनवरी तक हैं। याद रहे, 1 महीना ज्यादा अनकंफर्टेबल, 1 महीना ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब ये 30 दिसंबर को सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए उत्तराषाढ़ा में आगे बढ़ने वाले हैं, धनु में प्रवेश करने वाले हैं। 5 जनवरी को वक्री होकर फिर अपने ही वक्री अवस्था में ही अपने नक्षत्र में पहुंच जाएंगे ये। तो 5 जनवरी के बाद ये काफी कंफर्टेबल भी हो जाएंगे अपने नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा में। और 22 फरवरी को फिर से सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर ये 27 फरवरी या 29 जनवरी तक, जब तक ये दूसरी राशि में नहीं जाते, तब तक ये जो है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में शुक्र अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते। यहाँ सूर्य और गुरु की दोस्ती है, और शुक्र के साथ दोस्ती नहीं, सूर्य की, उसको अस्त भी कर देता है और उसको अनकंफर्टेबल कर देता है अपना, उसको पूरा जलवा नहीं दिखाने देता सूर्य। फिर भी मैं कहूँ शुक्र तो शुक्र है, आनंद की स्थिति तो वो धनु राशि में भी क्रिएट करेगा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शुक्र के वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करना। अब एक तो दैत्याचार्य ऊपर से खोपड़ी घूम जाए, वक्री हो जाए, ऊपर से साधु के घर में पहुंच जाए, तो अपना जलवा तो वो बताएगा, बोलेगा कि मैं साधु नहीं हूं, मैं संसारी हूं। तो यही कुछ होने वाला है। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के, आपके सप्तम भाव के स्वामी चले भाग्य भाव में, हर कोशिश करेंगे अपना काम बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना मीडिया, अपना आर्ट यूज करेंगे, और इसमें आपको जरूर जो है उन्नति होगी, पैसा भी आएगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, वैवाहिक जीवन के पार्टनर, व्यवसायिक पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, और आपका काम बढ़ जाएगा अनायास ही। याद रहे आपकी इसमें जो यात्राएं भी होंगी, उसमें आप आनंद खोजने की, एक तरफ काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ उसी में आप खोजेंगे कि आपको एंजॉयमेंट कैसे हो। वृषभ राशि, आपके लग्न भाव आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो बेचैनी है यहाँ पर, डायबिटीज से बचें, शुगर यानी शक्कर यानी चीनी कम खाएं, आपके जीवन में मीठा नहीं खाना अभी इन दिनों, ये 2 महीने, और आपको किसी प्रकार से मोटापे से भी बचना है। तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको फलेंगे, और उसका लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, सुनिए वो जाप। साथ में तबीयत ठीक रखिएगा जनाब, हर प्रकार से, कोई भी जनन इंद्रियों से रिलेटेड, स्त्रियों में महावारी, यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बुझना, ये सब नहीं होना चाहिए। आप साथ में दुर्गा सप्तशती के भी पाठ करते रहिएगा। मिथुन राशि, आपके द्वादश भाव और आपके पंचम भाव जाके सप्तम भाव में बैठने वाले हैं, तो जो प्रेम संबंध में थे, जो मित्रता में थे, वो शादी करने की भी सोचेंगे, अच्छी बात है, और ये इनको फलीभूत भी होगा, इनकी शादी के योग चल रहे हैं 12 अप्रैल तक, तो करिए आप। और आपके जो विवाहित जीवन के पार्टनर हैं अगर, और शादी हो चुकी है, तो याद रहे कि आपका व्यवसाय बढ़ने की पूरी संभावना, आपको थोड़ी सी बेचैनी है अपने कार्यों के लिए, बहुत मेहनत है, थकान है, और बहुत ज्यादा ओवरवर्क है, और आप घबरा रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए आपके बच्चे हैं, सपोर्ट करने के लिए आपकी बुद्धिमानी है। कर्क राशि, आपके लाभ भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जाके षष्ठ में बैठने वाले हैं। अब षष्ठ में शुक्र नीच के माने गए हैं, और यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं, पैसा आता है रेनोवेशन में लग जाता है, पैसा आता है कार खरीद लेते हैं, पैसा आता है घर खरीद लेते हैं, माता की सुनते नहीं, उनकी तबीयत का ध्यान नहीं रखते, तबीयत खराब करते हैं, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आप शुक्र के उपाय भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको उपाय करने हैं गुरु के, आप जाप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के। सिंह राशि, आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी, आपके तृतीय भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी जाकर बैठने वाले हैं आपके पंचम भाव में, बुद्धिमानी से काम करने की सोचेंगे, सोचेंगे कि कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए, कैसे मीडिया व आर्ट से रिलेटेड काम बढ़ाए जाए, बच्चों का सपोर्ट, पिता का सहयोग, छोटे भाई बहनों का सहयोग, मजा कीजिए, काम बढ़ाइए, बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता रहेगा, डोंट वरी फॉर दैट। कन्या राशि, आपके लिए भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी जाकर बैठ रहे हैं चतुर्थ भाव में, अब ये भी स्थिति मजेदार नहीं है, तो आप बेचैन हो सकते हैं अपने कई सारी ऐसे कामों को लेकर जहां पर घर के लोग इन्वॉल्व हैं,
बोलने चालने का बिजनेस है, वाणी का बिजनेस है, मीडिया से रिलेटेड कुछ काम है, तो बीच में माँ की तबीयत संभालनी पड़ी, बीच में अपनी तबीयत संभालनी पड़ी, परिवार की सेहत का ध्यान रखना पड़ा, धन इधर अपव्यय हो गया, ये सब चीजों से बचिएगा। और कैसे बचना है आपको, शुक्र के उपाय करके, तो शुक्र के उपाय का विस्तृत लिंक मैं आपको दे देती हूँ। तुला राशि आपके जो है ना लग्न के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी पराक्रम में आएंगे। अब आप ये इनके इन प्रकार भले ही गुरु से ना बनती हो, बनती हो, आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, आपको लाभ आपकी हिम्मत से होगा, कोशिशों से होगा, आपको लाभ आपके व्यवसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर की वजह से होगा। आप कर सकते हैं ऐसी कोशिशें जिसमें आपकी तबीयत ठीक हो जाए, और आंशिक रूप से ठीक होगी, पूरी तरह नहीं, अभी थोड़ा समय है। डायबिटीज से बचिए, अपनी यात्राओं में गलत खान पान ना करिए, अपनी दवाएं साथ लेके चलिए, और ज्यादा खा खा के मोटे मत हो जाइए, ये भी ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव और आपके द्वादश भाव दोनों एक प्रेम संबंधों का, एक शादी का, जिसमें भी आप हैं, मतलब दोनों में एक साथ नहीं रह सकते आप, और ये जो है ये द्वितीय भाव में बैठेंगे, तो परिवार वाले बोलेंगे कि शादी कर लो, परिवार वाले बोलेंगे कि शादी जो है उसको टिका लो, मतलब उसमें भी बेचैनी नहीं करनी है, विवाहित जीवन में स्पेस देना है, खर्चे कंट्रोल में करने हैं, वो परिवार पे अंधाधुंध खर्चे मत कर दीजिए, आंखों का ध्यान रखिए, ऐसा ना कीजिए कि आप गला खराब हो जाए, या आपको कोई जननेन्द्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके परिवार शामिल हो, नहीं होने चाहिए। और आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा स्तुति के पाठ कर सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न में आने वाले हैं शुक्र, तो मानसिकता कैसी होगी, मजा करो, ऐश करो, एंजॉय करो, और ये आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, याद रखिएगा। तो तबीयत संभालिए, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा खाना पीना उचित नहीं, शुगर से बचिए, ये भी याद रखिए कि आपके कई सारे काम आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी नहीं बिगाड़ सकते, पैसा भी रिलेटेड है, पैसा आएगा, धन आएगा, उसको समेटना है, बुद्धिमानी से दिमाग ऐशो आराम और मजा मस्ती की तरफ नहीं लगाना है, आपको कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति से लाभ, कुछ ऐसा लाभ जिसमें आपके कोर्ट केसेस वगैरह अटके हुए हों, पैसा अटका हुआ हो। मकर राशि पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में, यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से घमासान फायदा हो सकता है आपको, कामकाज से, बच्चों की तरफ से, अपनी बुद्धिमानी से काम बढ़ाएंगे, अपने एंजॉय करते हुए आनंद की स्थिति में रहेंगे, प्रेम संबंधों में बस पेस बना के रखिए, याद रहे कि आपके ऐसे कुछ काम ना हो जाए विदेश में जिसमें नुकसान हो जाए, और आप वो सब संभल के अगर करेंगे तो आपको खूब सारा फायदा ये शुक्र दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बुद्धिमानी से हैंडल करने की चीज है। कुंभ राशि आपके चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी ये आकर बैठेंगे लाभ भाव में। अब लाभ भाव में बैठेंगे तो आप कमाने की सोचेंगे, पैसा कैसे कमाऊं, माँ भी ये कर रही है, आपके बड़े भाई बहन भी कह रहे हैं कि तू पैसा कमा, तो पैसा कमाइए, काम कीजिए, अपना धन को गलत मत इन्वेस्ट कीजिए, अपनी यात्राओं में थोड़ा सावधान रहिए, आप ऐसा कुछ काम ना कीजिए जिसमें माँ नाराज हो जाए, आप ऐसा कुछ काम ना कीजिए जिनमें उनकी तबीयत खराब हो जाए, आपके कोर्ट केसेस वगैरह में गलत बयानी मत कीजिए, आप सात्विकता से चलिए, आपका काम होगा, आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और शुक्र के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मीन राशि आपके पराक्रम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में बैठेंगे, तो बस ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते करते महालक्ष्मी योग बन गया, अभी के योग को बढ़ाइए, पैसा आना चाहिए लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको घुसा नहीं देना है कहीं पर जहां से बाहर ना निकले, इसलिए अभी जो पैसा आएगा उसको बचा के चलिए, आगे चल के पैसा आपके काम आने वाला है, आपकी यात्राओं में आपको लाभ तो होने वाला है, आपके किसी भी प्रकार की जो काम है उसमें थकन भी होने वाली है आपको, आप अपने शरीर यष्टि को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज योग में और मेडिटेशन वगैरह कीजिए, कुछ खाइए पीजिए सही से, लेकिन शुगर नहीं और मोटापा नहीं, इन दो चीज़ों पे कांटा, आपके कोई स्त्रियों में अगर महावारी से रिलेटेड समस्याएं, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड समस्याएं, तो संभल के तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों का खूब सपोर्ट है, उसका आनंद लेना है।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, शुक्र के वक्री होने पर, धनु राशि में प्रवेश करने पर क्या होगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही कोई चर्चा लेकर। वार्षिक राशि भविष्य आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को 2022 बहुत अच्छा जाने वाला है, शुक्र का ही साल है, देखिएगा वो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।